नीट यूजी काउंसलिंग 2023 स्पेशल स्टे वैकेंसी का आप सभी लोग वेट कर रहे थे स्टे वैकेंसी राउंड हो जाने के बाद लेकिन टू के लिए स्पेशल स्पेशल स्टे वैकेंसी या फिर राउंड नहीं होगा जैसे कि 2022 के काउंसलिंग में भी नहीं हुई थी लास्ट राउंड स्टे वैकेंसी की ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन जो बी और बी नर्सिंग की सीट्स है उनमें कई सारी सीट्स वैकेंट है जिसकी वजह से स्पेशल मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड बीडीएस और बी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए एमसीसी कंडक्ट कर रही है जिसका की शेड्यूल जारी कर दिया गया है क्या है शेड्यूल और क्या रहेगा कट ऑफ और कितना फायदा होगा ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको की अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है क्या चांसेस है अप्लाई कैसे करना है लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की और साथ ही साथ कौन अप्लाई कर सकता है इंपॉर्टेंट अपडेट इस छोटे से वीडियो में एमसीसी के स्पेशल मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड बी और बी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आप मेडिका विंग चैनल के साथ बने रहिए चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं टू थाउजेंड के एग्जामिनेशन और काउंसिलिंग को लेकर वो अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे मेडिका विंग की ओर से मैं हूँ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में मेडिकल उंसिलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर शेड्यूल रिलीज किया गया है बीडीएस एंड बी एस सी नर्सिंग के लिए बीडीएस शेड्यूल से जो की बारह अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया अब शेड्यूल क्या है और कम्प्लीट कब रजिस्ट्रेशन होगा तो शेड्यूल जो अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं शेड्यूल फॉर राउंड फॉर स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ यूजी काउंसिलिंग फॉर बीडीएस एंड बी एस सी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फीस है फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा ऐसे कैंडिडेट जिनका की पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है सिक्योरिटी मनी ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं उन कैंडिडेट्स को अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है अभी तक या फिर फर्स्ट या सेकेंड राउंड में दोनों राउंड तक कॉलेज अलॉट हुआ था और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी फोर फीट करके एग्जिट कर लिया था मॉपअप राउंड में थर्ड राउंड में और उसके बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड था वहां पर रजिस्ट्रेशन तो किया था लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिला ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऐसे कैंडिडेट जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री या फिर राउंड फोर की जो काउंसलिंग थी उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को जिनको की अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है सिर्फ लॉग इन करना है लॉग इन करके ही वो चॉइस फिल कर पाएंगे जो चॉइस फिलिंग है वो भी चौदह तारीख से स्टार्ट हो रही है लास्ट डेट सोलह अक्टूबर तक है और जो चॉइस लॉकिंग है वो 16 अक्टूबर को शाम को चार बजे से शुरू होगा ग्यारह बजकर उनसठ मिनट तक रात तक चॉइस लॉकिंग हो सकती है कैंडिडेट अगर चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा

ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा रखा है या फिर इस जो सेकंड मॉपअप राउंड बी का होने वाला है इसमें अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो कि स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग 25 से 26 अक्टूबर को और रिजल्ट आएगा 28 अक्टूबर 2023 को रिपोर्टिंग होगी 29 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक गाइज ये जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड यानी लास्ट राउंड होगा बीएससी और बीडीएस के लिए बीएससी नर्सिंग और बीडीएस के लिए यहाँ पर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ऐसे कैंडिडेट जिनका की ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उनके अलॉटमेंट नहीं हुआ है सिर्फ उन्हीं को चॉइस फिलिंग करनी है हालांकि चॉइस फिलिंग मैंडेटरी होगा अर्लियर जो चॉइस आप फिल करेंगे या फिर जो अभी ये राउंड हो रहा है इसमें अगर आप चॉइस फिल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगी मतलब कि वो कंसिडर नहीं किया जाएगा आपको अलॉटमेंट के लिए और फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी जो फ्रेश चॉइस फिलिंग की डेट होगी ऑनलाइन वैकेंसी राउंड के लिए सेकंड मॉप अप हो जाने के बाद वो 25 से 26 अक्टूबर के बीच में ये शेड्यूल है कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो फिर जो लास्ट राउंड राउंड में में फोर्थ कट ऑफ था एमबीबीएस और बीडीएस का जिसमें बीडीएस नर्सिंग एमबीबीएस सब एक साथ हुआ था वहां से कुछ थोड़ा सा डाउन होने की उम्मीद जरूर है स्टे वैकेंसी राउंड में हालांकि जो बहुत अच्छे, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ऐसे कैंडिडेट जिनको की एमबीबीएस नहीं मिला तो हो सकता है वो बी के लिए प्रिफर करें और वहां पर कट ऑफ अच्छे कॉलेजेस में ऊपर जाएगी लेकिन बाकी के जो कॉलेजेस है वहां पर कट ऑफ जो फोर्थ राउंड था उससे नीचे ही रहेगी कट ऑफ फोर्थ राउंड में क्या था बीडीएस और एमबीबीएस के लिए इसके लिए ऑलरेडी मेडकविंग की ओर से वीडियो अपलोड कर दिया गया है आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको देख सकते हैं फिलहाल सीट मैट्रिक्स जो है वो रिलीज नहीं की गई है लेकिन एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही जल्दी एमसीसी की ओर से सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया जाएगा कि टोटल किस कॉलेज में कितनी सीट बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है आप चैनल के साथ बने रहिए एमसीसी की ओर से कोई भी अपडेट काउंसिलिंग को लेकर जैसे ही आता है तो मेडकविंग उसको शेयर करेगा स्टेट उन्विदास थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग थैंक लॉट